ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੂੰ ਗੁਰੂ ਵੰਦਨਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮਨਾਉਂ ਗਣੇਸ਼, ਤੀਜੇ ਮਨਾਉਂ ਸਰਸਵਤੀ, ਮਾਂ ਕੰਠ ਕਰੋ ਪਰਵੇਸ਼, ਕਿ ਮਨ ਸੁਮਰ ਲੀਏ ਜਗਦੀਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਵਾਉ ਸ਼ੀਸ਼। ਤੋ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਜਨਾ ਸੇ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ, ਜਬ ਮੈਂ ਲੰਕਾ ਮੇ ਗਰਜਨਾ ਲਗਾਈ तो खलबली मच गई, दौड़ने लगे। मेरी गर्जना से मची खलबली, बता दूं सारा हाल कैसे लंका जली, बता दूं सारा हाल कैसे लंका जली। मेरी गर्जना से, मेरी गर्जना से मची खलबली, बता दूं सारा हाल कैसे लंका जली, बता दूं सारा हाल कैसे लंका जली। सूरत लगाई, वन पर्वत सब खोज दिए लंका की सूरत लगाई, वन पर्वत सब खोज दिए लंका की सूरत लगाई। लांग सागर दिया, लांग सागर दिया नाम बजरंग बली, बता दूं सारा हाल कैसे लंका जली, बता दूं सारा हाल कैसे लंका जली। कहते हैं हनुमान जी कि मेरे से एक सीनियर सेनापति भी था सुग्रीव का, उसने मेरे से ये कहा था जामवंत ने कि तुम जाकर के लंका में खोज करो माता सीता की। एक बार तो समुद्र को देख करके मैं ही घबरा गया था, लेकिन उसने मुझे याद दिलवाया कि तुमने तो बचपन में सूरज को भी मुंह में दे लिया था, और जब देवताओं ने प्रार्थना करी थी तब दुनिया में उजाला हुआ था, अपनी शक्ति को पहचानो। और जब मैंने छलांग लगाई समुद्र पर, उधर सुरसा जो कि नागों की माता थी, वो पहरेदार थी रावण की, उसने देखा कि ये बंदर कैसे उड़ा चला रहा है, उसने मुझे खाने के लिए 100 योजन मुंह फैलाया, बहुत बड़ा मुंह कर दिया। मैंने युक्ति से काम लिया, मैंने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं छोटा सा रूप मच्छर के बराबर धारण कर लिया, उसके मुंह में से घुस करके कान में से निकल करके बाहर गया। और जैसे ही मैं लंका के द्वार पर पहुंचा, वहां लंकनी मिली, फिर युद्ध हुआ, उसको भी मारा, ऐसे प्रवेश किया। क्या बताया, हां नागों की माता सुरसा ने सागर पर अजमाश करी, 100 योजन्म फैलाया मुझको खाने की आस करी, 100 योजन्म फैलाया मुझको खाने की आस करी। महिमा शक्ति छोड़ के मैंने सूक्ष्म देही तलाश करी, मुख में घुसकर बाहर निकल गया उसकी शक्ति नाश करी, मुख में घुसकर बाहर निकल गया उसकी शक्ति नाश करी, मुख में घुसकर बाहर निकल
किया एक मिली लंकनी बता तू सारा हाल कैसे लंका जरी बता तू सारा हाल कैसे लंका जरी। बहुत अच्छे क्या बात है मास्टर जी की। भक्तजनों उससे पहले ना तो हनुमान जी ने सीता को देखा था और ना सीता जी ने ही हनुमान जी को देखा था, एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। तो हनुमान जी ने श्री राम की दी हुई अंगूठी तो ले ली थी, लेकिन सोच रहा था कि मैं सीता को पहचानूंगा कैसे। खैर वो घूमता फिरता लंका में एक वाटिका में चला गया, वहां एक स्त्री बहुत ही सुंदर सुशील एक पेड़ के नीचे बैठ करके भजन कर रही थी। हनुमान जी ने सोचा हो सकता है ये ही सीता माता हो, लेकिन भाई पहले भूख लगी है, पहले कुछ फल खाऊंगा। तो फल खाने लगे, इतनी देर में बाघ के जो रखवाले थे वे उसके पीछे भागे। खैर हनुमान जी चुपचाप बैठ करके, अब इतनी देर में क्या होता है कि रावण चला आता है। रावण ने अपनी तलवार निकाली और सीता को डराने लगा। सीता लंका में 11 महीने रही थी प्रेमी दोस्तों, और ये 10वां महीना था। वो हर महीने एक बार आया करता था धमकाने के लिए, कहने लगा कि सीते या तो तू अपनी खुशी से मेरी महारानी बनना स्वीकार कर ले, नहीं तो ये मेरे साथ में जो राक्षसनी है ये तेरी खाल को नोच नोच करके खा जाएंगी और मैं इस तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो सीता जी एक तिनके की ओट करके कहती है, लंकेश ये बात आप 1,00,000 बार कहो या 1 बार पूरी होने वाली नहीं है। वो तो चला जाता है डरा धमका करके। अब हनुमान जी उसी पेड़ के नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं और अंगूठी फेंक देते हैं उनके पल्ले में। किस तरह से बात बनती है, बहुत अच्छे। जनक सुता को दई अंगूठी सिया के मन आनंद छाए, मार निशाचर बाघ उजाड़े तोड़ तोड़ कर फल खाए, मार निशाचर बाघ उजाड़े तोड़ तोड़ कर फल खाए। जनक सुता को दई अंगूठी सिया के मन आनंद छाए, मार निशाचर बाघ उजाड़ा तोड़ तोड़ मार निशाचर बाघ उजाड़ा तोड़ तोड़ कर फल खाए, मार निशाचर बाघ उजाड़ा तोड़ तोड़ कर फल खाए। और जब रावण को ये पता चला कि जो अशोक वाटिका मैं केवल सीता के लिए बनवाई थी वो एक बंदर ने तहस नहस कर दी, उसने अपना पुत्र अक्षय भेजा। हनुमान जी ने जब वो अक्षय सामने आया उसको पटक करके वही मार दिया। और जब हनुमान पता चला रावण को कि मेरा पुत्र भी मार दिया, फिर बड़ा पुत्र मेघनाथ भेजा। मेघनाथ के पास में एक ब्रह्मास्त्र था, मेघनाथ ने एकदम वो जाल फेंक दिया हनुमान जी के ऊपर और वो चुपचाप उसमें बंध गए, अब हिलडुल नहीं सकते थे। कैसे वो जाते हैं दरबार में क्या बताया। साचर बाघ उजाड़ा तोड़ तोड़ के फल खाए, मार निशाचर बाघ उजाड़ा तोड़ तोड़ कर फल खाए। रावण पुत्र मार दिया अक्षय मेघनाथ लड़ने आए, चली कपट की चाल की उसके शस्त्र नहीं चलने पाए, चली कपट की चाल के उसके शस्त्र नहीं चलने पाए, चली कपट की चाल के उसके शस्त्र नहीं चलने पाए। ऐसा जाल फेंका कि काया हिली ना डुली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली।
किसको? उस दुकानदार को समझा रहे हैं अभी, वहां उस सीन पर भी ध्यान देना। कहते हैं हनुमान जी के उस ब्रह्म फांस में फंस करके बंद करके मुझे सभा में ले जाया गया। रावण गरज करके खड़ा हुआ, कहने लगा कि इस बानर ने मेरा बेटा भी मार दिया, इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो, मिट्टी का तेल और घी डाल दो और आग लगा दो। उसका भाई भी भीषण भी था, उसने खड़ा होकर के सभा में कहा कि पहले आप ये तो पूछिए ये है कौन, आप सजा तो इसको दे रहे हैं। और जब हनुमान जी ने बताया कि मैं राम का दूत हूं, तो विभीषण ने कहा कि किसी दूत को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं होता राजनीति में, आप उसको सजा दें जिसने ये भेजा है। लेकिन रावण ने कहा कि नहीं, जो मैं चाहता हूं वो होगा। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि उस ब्रह्म फांस से मैं कैसे आजाद हुआ, अब की बार बताता हूं। और जब हनुमान जी ने कहा तो दुकानदार ने कहा कि जी एक बात और बताओ कि क्या, कि बंदर को तो पूंछ बड़ी प्रिय होती है, जब आपकी पूंछ में आग लगी आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा। कि हाँ बहुत दुख हुआ। तो फिर क्या हुआ? कि फिर तब बताऊंगा। वो कपड़े का दुकानदार था कि अपनी दुकान में से एक रिजेक्ट थान ले आ और मेरी पूंछ पे लपेट दे। अब भाग करके गया दुकानदार और अपनी दुकान में से एक थान ले आ रिजेक्ट सा, वो उनकी पूंछ में लपेट दिया। कहने लगा कि ये जो बराबर में दुकान है ना ये घी की, कि हाँ जी, इसमें से एक घी का पिप्पा भी ले आ, वो भी ले आ, कि अब मेरी इस कपड़े पर जो है तू घी सारी पे लपेट दे। लपेट दिया कि अब इसमें आग लगा दे, अब तुझे सीन दिखाऊंगा। फिर आग लगा दी, और जब आग लगाई तो पहली जंप में हनुमान जी उछल करके बाहर सड़क पर तो खड़े ही थे, एकदम दुकानदार की दुकान में पहुंचे और दुकान में न्यू घूमने लगे न्यू। और क्या कहते हैं, दौड़ा घर घर गली, दौड़ा घर घर गली, धू धू लंका जली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली। किसी के कहने से नहीं रुका, मैं तो चक्कर काटता ही रहा। और दुकान में जब 5-7 चक्कर काट लिए और वो जो है आपके हवाले होगी, तब बाहर आए, कहने लगे अब मैं नहा करके आ रहा हूं, यही मिलना मुझे। लगाइए एक जंप और सरयू नदी में नहाने के लिए चले गए। इतनी देर में दुकानदार रोता हुआ राम जी के दरबार में पहुंचा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? जी आपके हनुमान जी ने मेरी दुकान जला दी। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, कि बिल्कुल ऐसा ही है, चल के देख लो। इतनी देर में हनुमान जी चले आए। श्री राम बोले, भाई ये क्या कह रहा है दुकानदार, आपने इसकी दुकान जला दी? कि जी हाँ, ये मुझे रोजाना लेट करता था, और मुझे अगर प्रभु राम की सेवा में कोई दखलंदाजी करेगा तो उसको सबक सिखाऊंगा। और क्या बोल रहे हनुमान जी, बहुत अच्छे, क्या बात है मास्टर जी। प्रभु सेवा में रोड़ा जो अटकाएगा,
पाएगा, मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा, मेरे क्रोध से वो ना बच पाएगा। कह जगदीश सेवा से, जगदीश सेवा से मेवा मिली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली। हाँ मेरी गर्जना से, मेरी गर्जना से मची खलबली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली, बता तू सारा हाल कैसे लंका जली।